बालकनाथ साधु नहीं है, ये साधु के भेष में, भगवा भेष में भेड़िया है बालकनाथ। अलवर जिले के, राजस्थान के किसी भी शरीफ आदमी के बच्चे को आप अपनी विध्वंसकारी नजरों से देखने तक का प्रयास करना, आपका मुंह सपोड़े मार मार के लाल कर देंगे हम, जहां आप करोगे। तो आप क्या उम्मीद करोगे भाई, एक कुत्ते से उम्मीद क्या करोगे, कुत्ता भूखे तो का। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में भी एक बाबा चर्चाओं में है और ये बाबा बालकनाथ हैं, जो कि अलवर से सांसद हैं। इनका रौद्र रूप का जो सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद चर्चाएं हो गई है, राजनीति हलकों में हलचल मच चुकी है। हमारे साथ सांसद साहब खुद मौजूद हैं। महन जी, एक वीडियो आया था पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक का, इतना रौद्र रूप आपका? देखिए, उन लोगों ने इतना बड़ा गंदा घिनौना काम किया, निर्दोष नागरिकों को ऐसे अपराध के साथ में कनेक्ट करना। इतना बड़ा अपराध हुआ वहाँ पर कि सरेआम हॉस्पिटल के अंदर फायरिंग होती है, दो निर्दोष माताओं को गोली लगती है पैर के अंदर, उस घटना से कनेक्ट करना क्या मतलब है भाई? और कनेक्ट मतलब कोई कारण ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। मतलब छोटी मोटी घटनाओं में तो ये आज तक कार्यकर्ताओं को उठाते रहे वहाँ पर, कभी कुछ झूठे आरोपों के माध्यम से, कभी कुछ आरोप लगा दिया, कभी कुछ लगा दिया किसी के, लेकिन हद हो गई भाई। आप क्या समझ रहे हैं, आप ही सब कुछ हो गए, आप ही साबित करेंगे? अरे आपने कैसे उनको उठाया, क्या उनका दोष है, कोई लेना नहीं देना नहीं, इस प्रकार से उनको निर्दोष हमारे कार्यकर्ताओं को उठाकर इन्होंने बंद कर दिया। सम्मानित लोग थे, उनकी भी समाज में इज्जत है, वो भी सामाजिक लोग हैं, उनको आपने उठा के थाने में धक्के मार मार के आपने उनको लोकअप तक डाल दिया, आपने लोकअप के अंदर बंद कर दिया, आपको क्या अधिकार था लोकअप में डालने का? और वहाँ पर चाहे कांग्रेस के हों, चाहे दूसरी पार्टी के, हमारी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस, ऐसे जनप्रतिनिधियों के साथ उसका व्यवहार देखा नहीं आपने, किस प्रकार का व्यवहार वो कर रहा था? वो जनता का सेवक है, जनता की सेवा के लिए उसको जनता तनख्वाह देती है, ना कि उसके घर से तनख्वाह आती है, जनता से तनख्वाह देती है, और कानून की पालना करना उसकी जिम्मेदारी, खुद पालन करे और कानून का पालन कराए। लेकिन इस प्रकार से आपका तानाशाही रवैया और इस प्रकार से आपकी महत्वाकांक्षा, आपको जानबूझकर किसी को फंसाने का कोई अधिकार नहीं है। थाने में जो मामला हुआ था उस टाइम सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे और दोनों एकजुट होकर वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, बलजीत यादव ऐसा बयान दे रहे हैं आपत्तिजनक एक सांसद पर? देखिए, वो तो देता रहता है, वो तो 4 साल से यही सब कर रहा है, उसने यही सीखा है, उसका कोई वो नहीं है, वो तो है ही इस तरह का आदमी, उसके उसके उसकी जुबान ही ऐसी है, उसका कर्म ही ऐसे है, उसका पूरे जीवन का ऐसा ही उसका पालन पोषण रहा है कि उसने गंदगी ही सीखी है और कुछ सीखा ही नहीं है। तो आप क्या उम्मीद करोगे भाई, एक कुत्ते से उम्मीद क्या करोगे, कुत्ता भूखे तो का, तो वो वही काम है उसका, उसके क्या मतलब है इन बातों का, इनसे कोई मतलब नहीं है। हमारा जीवन एक खुली किताब है, कहीं से कोई पन्ना पलट लो और कोई पन्ना आगे का देख लो, कोई पीछे का देख लो, हमारा जीवन राजनीति का भी सार्वजनिक है और उससे बड़ी बात हमारा संत जीवन भी सार्वजनिक है, हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, केवल और केवल समाज का, और उसकी सेवा के लिए हम समर्पित है। हम तो अपने आप को धन्य सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें इतने सेवा का अवसर मिला है। डीएसपी को देख लेने की धमकी दी है आपने, आपने कहा कि बीजेपी की सरकार आने दो फिर देखा जाएगा तुम्हारा, क्यों नहीं? देखो, ये ऐसे गुंडे बदमाश लोग जो पुलिस की वर्दी को अपमानित बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो समाज को व्यवस्थित रखने की बजाय समाज से वसूली करने का काम करते हैं, उन लोगों का तो हिसाब किताब होना ही चाहिए ना, नहीं तो कहाँ धर्म की स्थापना होगी, कहाँ शांति की स्थापना होगी? इन लोगों का तो इलाज होना ही चाहिए और इनको कानून के मुताबिक इनका इलाज होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बाबा चल रहे हैं, तो माने राजस्थान में बाबा? ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बाबा के स्वरूप में काम करता है, और ये भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ही नेतृत्व है, जिनके नेतृत्व के माध्यम से आज कोई भी मंत्री हो, कोई भी विधायक हो बीजेपी का, कोई भी सांसद हो बीजेपी का, चाहे किसी भी स्टेट का हो, और कोई भी मुख्यमंत्री और मंत्री हो, हर व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ जुड़े हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश पे काम करते हैं। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। धन्यवाद सांसद साहब, ये थे बाबा बालकनाथ, जिनका जो वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, उसके बाद सवाल खड़े हो रहे थे कि किस तरह से बाबा ने एक डीएसपी को धमकी दी थी कि सरकार बीजेपी के आने के बाद उसको देख लिया जाएगा, और इसके बाद जिस तरह से विधायक बलजीत यादव ने बाबा पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उस पर भी बाबा ने अपना वक्तव्य दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अलवर में राजनीतिक माहौल गर्माया है और उस बीच राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव भी हैं, और ऐसे में बाबा की ये धमकी किस तरह से आने वाले चुनाव में देखी जा सकती है। कैमरा सहयोगी राकेश के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।